नमस्कार वेलकम टू स्किल टूल में संदीप रे चांसिस कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑथर ऑफ़ द बुक एफ सेल्स टूल एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक सेल्स हायर की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी इस स्टेज में हैं जो बेसिक्स अभी थोड़ा स्केलअप लेवल पर जा रहे हैं और थोड़ा स्केल अप लेवल कर लिया है और थोड़ा नंबर ऑफ़ जोग्राफीज बढ़ाना चाहता है एंड ऑल दिस थिंग्स सो दे नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर हायर की स्ट्रक्चर ताकि आगे चल के उनको स्केल अप फर्दर करने में कोई दिक्कत ना हो सो यूजुअली आई रिकमेंड सर्टन स्टेप्स फॉर देम जो कि वो यूज़ करके एंड यू नो वेन वी डू इट फॉर देम वी डू इट इन अ मोर कस्टमाइज वे जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके कैटेगरी के लिए विच इज़ एप्लीकेबल बट यहाँ पे मैं आपको जो शेयर करूँगा, जो सेल्स हैर की बनाने का स्ट्रक्चर है दैट इज जनरिक, यू हैव टू कस्टमाइज इट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर प्रोडक्ट कैटेगरी बिफोर आई गेट इन टू द टॉपिक रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम वेर आई कीप पोस्टिंग नगेट्स वीडियोज जहाँ पे मैं ट्रेनिंग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग का वीडियोज में पोस्ट करता हूँ तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर ऑल दोज अपडेट्स नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हाउ विक योर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स हैर की स्ट्रक्चर देखिए जो एफ एम सी जी का सेल्स हैर की स्ट्रक्चर है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स वन इज द टारगेटेड जियोग्राफी कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो विच आर द टारगेटेड जियोग्राफीज देन चॉइस ऑफ जी टी एम आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे किस तरीके का जी टी एम आपको चाहिए होगा जी टी एम के बारे में मेरा और एक वीडियो है नीचे आपको मिल जाएगा जी टी एम इज नथिंग बट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट मार्केट्स के लिए वो अलग अलग होता है सारे मार्केट्स के लिए एक नहीं होता है सो चॉइस ऑफ जी टी एम इज द सेकेंड एंड थर्ड इज बिजनेस वॉल्यूम आप कितना बिजनेस वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हो पर्टिकुलर जियोग्राफी से सो दीज आर द थ्री डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नाउ आई विल गो स्टेप बाय स्टेप ओके नाउ विद इन द जियोग्रफी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू नीड टू डू यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टाउन्स दैट यू नीड टू कवर कितने टाउन्स कवर करोगे कौन कौन से टाउन्स कवर करोगे ये बड़ा क्लियरली आपको लिस्ट आउट करना है नेक्स्ट डिटरमाइन द जी टी एम फॉर ईच टाउन हो सकता है कि कोई टाउन में आप रेडी स्टॉक में काम करोगे कोई किसी में आप ऑर्डर बुकिंग में काम करोगे Uh, कहीं पे आप फोर्ट विजिट करोगे कहीं पे आप वीकली विजिट वट एवर इज दी टी एम दैट यू हैव प्लान दैट यू हैव टू पुट इट इन डिटेल कि यहां पे इस टाउन में मैं इस तरीके से काम करूंगा कोई होलसेल भी हो सकता है कोई रिटेल भी हो सकता है देन डिटरमाइन द टारगेटेड कवरेज फॉर ईच टाउन उस टाउन के अंदर आप कितने दुकान कवर करना चाहते हो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन यू शुड आंसर दैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड अगर आप इतना टाउन कवर करोगे इतना दुकान कवर करोगे तो इस तरीके का कितना क्लस्टर्स बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स यू रिक्वायर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन विच लोकेशन यू रिक्वायर दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यहां पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ आपको चाहिए कितने चाहिए नंबर देखिए जब आप सेल्स हाइड के स्ट्रक्चर बना रहे हो ना नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो है ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गया देन एस द बिजनेस पोटेंशियल अब जब डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाओगे उस टाउन के अंदर बनोगे आपको पता चल गया कि इतना कवरेज करेंगे इतना आउटलेट होगा तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिजनेस कितना बिजनेस आएगा वहां से वो दैट इज दिस थिंग देन कम्स द माइन्यूट डिटेल्स ये थोड़ा मैक्रो लेवल पे थोड़ा मैक्रो लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस किया देन कम्स द माइन्यूट डिटेल्स विच इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ बीच अब uh, अब थोड़ा बहुत अब नज़दीक जा रहे हो इन इन क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर तो आपको पहले पता होना चाहिए भाई कितने लोग चाहिए तो कितने लोग चाहिए ये डिटरमाइन करेगा क्या कितने बीट्स से हमारे उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कितने लोग चाहिए तो पहले आपको पता ये होना चाहिए कितने बीट्स बन रहे कितने वीकली बीट्स बन रहे कितने फोर्टनाइटली बीट्स बन रहे बीट हैं इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रंटलाइन एस आर रिक्वायर्ड एंड देयर हेड क्वार्टर बीट्स बन गए आपके नंबर ऑफ बीट्स बन गए सब आपका क्लियर है आपके सामने एकदम देन यू विल से कि ओके फॉर दिस आई विल रिक्वायर सो मेनी और द फ्रंट लाइन एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर हेड क्वार्टर इसका हेड क्वार्टर यहां पे होगा इसका हेड क्वार्टर यहां पे होगा तो हेड क्वार्टर भी आपने डिटरमाइन कर लिया और उस हेड क्वार्टर से वो क्या करेगा अपना टाउन कवर करेगा आसपास का जितना भी आपने टाउन डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कितने बीच कवर करेंगे सारा चीज वो आ जाएगा देन प्रॉपर एरिया मैप्ड विथ दस आर हेडक्वार्टर ठीक है उसके बाद क्या आता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सुपरवाइजर हेडक्वार्टर अब ऐसे ही बहुत सारे एसआर बनेंगे एक हेडक्वार्टर दूसरे हेडक्वार्टर तीसरे हेडक्वार्टर चौथे हेडक्वार्टर ऐसे करके बहुत सारे एसआर बनेंगे अब इन एस आरस का एक सुपरवाइजर भी होगा विच इज प्राउड सेल्स ऑफिसर और ए सी काइंड ऑफ ए प्रोफाइल वट एवर इज योर डेजिग्नेशन इन ऑर्गेनाइजेशन तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि भाई यहां पे मेरे को स्पैन ऑफ कंट्रोल पहले डिटरमाइन करना कि मैं चार पे एक रखूंगा पांच पे एक रखूंगा वैल्यू कितना आपका सेल आ रहा है ये चार पांच एस आर मिलकर कितना सेल लेगा उसके ऊपर आप एक एस आर एक सुपरवाइजर रखोगे ओके तो वहां पे आपको ये आंसर मिल गया कि आप कितने एस आर पे एक सुपरवाइजर रखोगे और उन सुपरवाइजर का उस सुपरवाइजर का हेडक्वार्टर कहां पे होगा करेक्ट तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसके बाद आता है डिटरमाइन एस एम के ऊपर हो सकता है आर एस एम रहेगा तो उनका कहां कहां पे लोकेशन होगा कितने ऐसा कितने ए सी या कितने सबसे पहले आपने क्या किया, किया कि? कितने एसआर पे एक एसओ या ए सी कर दिया ए सी पे एक ए कर दिया उनका अब एस का मैनेजर का एस का हेडक्वार्टर भी आपने बना दिया कि भाई यहां पे उसका AASM का हेडक्वार्टर होगा करेक्ट एंड देन यू आर वेरी क्लोज उसका भी स्पैन ऑफ सबका स्पैन ऑफ कंट्रोल कर दिया कि भाई कितने लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन कितने लोग एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा राइट right? हो सकता है कि चार एस रिपोर्ट्स टू वन एसओ या ए Then हो सकता है कि अनदर थ्री फोर ए एस रिपोर्ट टू वन एस एम तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी एंड द साइज ऑफ वट एवर वो आप कर सकते हो देन फाइनली यू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ सीनियर लीडरशिप टीम अब इतना आपका स्ट्रक्चर बन गया तो वेदर यू विल गो फॉर आर एस एम स्ट्रक्चर वेदर यू गो फॉर अड एस एम स्ट्रक्चर ये वाला चीज है आपको डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से आप यह स्ट्रक्चर बनाओगे एंड अकॉर्डिंगली You are going to uh, create your entire organization structure. Ki by agar RSMA, AS, RSMA, ZSMA, dono hai. And then on top of that, there is a national sales sector. Ye hamada structure bangya. And that is how we are going to operate in the market. So, this was a uh, guideline for uh, making the sales hierarchy structure. It, you have to customize it for your own organization. Thanks a lot. For watching this video, please don't forget to like, share and subscribe. I'll be happy more videos. Thank you.